गूगल, यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसमें सभी प्रकार की विद्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती हो, परीक्षा ली जाती हो तथा लोगों को विद्या संबंधी उपाधियां आदि प्रदान की जाती हो। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के मैदान, भवन, प्रभाग तथा विद्यार्थियों का संगठन आदि भी सम्मिलित हैं। हे गूगल, लॉ के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार अधिनियम केंद्र में संसद या राज्य में विधानसभा द्वारा पारित किसी विधान को कहते हैं। जब संसद या विधानसभा में किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं। संसद या विधानसभा की सर्वसम्मति या सर्वाधिक मतों से पारित होने के बाद उस बिल या विधेयक को अधिनियम का दर्जा मिल जाता है। हे गूगल, नीट के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार भारत में चिकित्सा स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए एक अर्हत परीक्षा होती है जिसका नाम राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा है। हे गूगल, आईआईटी के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं। ये संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। 2018 तक सभी 23 आईआईटी में स्नातक कार्यक्रमों के लिए सीटों की कुल संख्या 11,279 है। हे गूगल, एमबीबीएस के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार आयुर्विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा स्नातक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र की दो प्रथम व्यावसायिक उपाधियां हैं। लैटिन भाषा में इसे मेडिसिनी बैकलोरियस बैकलोरियस चर्जिया कहा जाता था है। इस डिग्री का संक्षिप्तीकरण भी कई तरह से किया जाता है, जैसे MBBS, MBCHB, MBBCH, MBBA, BMBCH, BMBS आदि। हे गूगल, NIT के बारे में आप कुछ बताओ। शिक्षा.com वेबसाइट के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वायत्त इंजीनियरिंग संस्थान है और उन्हें 2007 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। सभी एनआईटी के लिए एनआईटी काउंसिल नियामक संस्था है। भारत में ज्यादातर एनआईटी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में दोनों पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर। हे गूगल, PHP बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या संक्षेप में PhD विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उच्च शैक्षिकी डिग्री है। किसी को प्रदान की जाने वाली यह प्रायः सर्वोच्च शैक्षिकी डिग्री है। PhD एक उन्नत शैक्षणिक डिग्री है जिसे विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मानित किया गया है। हे गूगल, आर्किटेक्चर के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार भवनों के विन्यास, आकल्पन और रचना की तथा परिवर्तनशील समय, तकनीक और रुचि के अनुसार मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने योग्य सभी प्रकार के स्थानों के तर्कसंगत एवं बुद्धिसंगत निर्माण की कला, विज्ञान तथा तकनीक का सम्मिश्रण वास्तुकला की परिभाषा में आता है। इसका और भी स्पष्टीकरण किया जा सकता है। हे गूगल, JRF के बारे में आप कुछ बताओ। hindi.buddycharstudy.com वेबसाइट के अनुसार नेट JRF यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा शुरू की गई सबसे प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। गूगल, UGC के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के मुताबिक गूगल द्वारा अनुवादित UGC यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा सिनेमा ऑपरेटर है जिसमें अगस्त 2019 तक 49 साल। फिजिक्स के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार रसायन शास्त्र अथवा भौतिकी प्रकृति विज्ञान की एक विशाल शाखा है। भौतिकी को परिभाषित करना कठिन है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह ऊर्जा विषयक विज्ञान है और इसमें ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। इसके द्वारा प्राकृत जगत और उसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गूगल, लाइफ साइंस के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तीन विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। हे गूगल, मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताओ।
विकिपीडिया के अनुसार गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। गणित की कई शाखाएं हैं, अंकगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीजगणित, कलन इत्यादि। हे गूगल, कैलकुलेटर क्या है? विकिपीडिया के अनुसार परिकलक अन्य हिंदी पर्याय गणक या गणित्र गणितीय गणनाएं करने का एक उपकरण होता है। यद्यपि आधुनिक परिकलकों में प्रायः सामान्य उपयोग का एक संगणक होता है, फिर भी परिकलक कंप्यूटर से इस मामले में भिन्न है कि परिकलक की अभिकल्पना अपेक्षाकृत छोटी गणनाएं करने के लिए होता है। गूगल, ब्लूटूथ क्या है? विकिपीडिया के अनुसार ब्लूटूथ बेतार संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, संगणक, प्रिंटर, अंकीय कैमरा और वीडियो गेम जैसे उपकरण इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर जानकारी विनिमय कर सकते हैं। जुड़ने के लिए उपकरण रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। है गूगल, वाईफाई के बारे में आप कुछ बताओ। वेबसाइट hi.wikipedia.org से मिला सारांश यह है। वाईफाई या वाईफाई रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जानकारी भेजने के लिए वाईफाई 802.11 मानक का प्रयोग करता है। हे गूगल, नेटवर्क के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं और आपस में तार या बेतार से जुड़े रहते हैं। हे गूगल, रिकॉर्ड के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार लिखित रिपोर्ट वह दस्तावेज है जो विशिष्ट दर्शकों के लिए केंद्रीकृत और मुख्य सामग्री प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट का इस्तेमाल प्रायः एक प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक या निजी, एक व्यक्ति विशेष या आम जनता के लिए हो सकती है। हे गूगल, डिजिटल के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार अंकीय भारत या डिजिटल भारत सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। हे गूगल, आधार कार्ड के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और UIDAI। हे गूगल, फिंगरप्रिंट के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार पहचान के प्रयोजनों के लिए उंगलियों के निशान के अध्ययन को अंगुली चिन्ह अध्ययन कहा जाता है। मनुष्य के हाथों तथा पैरों के तलबों में उभरी तथा गहरी महीन रेखाएं दृष्टिगत होती हैं। ये हल चलाए खेत की भांति दिखती हैं। हे गूगल, फोटो के बारे में कुछ बताओ आप। विकिपीडिया के अनुसार किसी भौतिक वस्तु से निकलने वाले विकिरण को किसी संवेदनशील माध्यम के ऊपर एकाग्र करके जब कोई स्थिर या चलायमान छवि बनाई जाती है तो उसे छायाचित्र कहते हैं। छायाचित्रण की प्रक्रिया कुछ सीमा तक कला भी है। इस कार्य के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे कैमरा कहते हैं। हे गूगल, दूरबीन के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। हे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 100 से भी अधिक देशों में फैली इसकी शाखाओं में 70,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं। इसका वार्षिक व्यापार लगभग 20 खरब रुपयों का है। हे गूगल, टेलीस्कोप के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। है गूगल,
माइक्रोचिप के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के मुताबिक गूगल द्वारा अनुवादित माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इनके एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अमेरिकी निगम है जो माइक्रो कंट्रोलर, मिश्रित सिग्नल एनालॉग और फ्लैश आईपी एकीकृत सर्किट का निर्माता है। हे गूगल, सर्किट के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक परिपथ वह परिपथ है जिसमें प्रतिरोधक, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, प्रेरकत्व, डायोड आदि तार से या बोर्ड पर बने चालक मार्गों से जुड़े हों। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। जिस परिपथ में एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है उसे मिश्री परिपथ या संकर परिपथ कहते हैं। है गूगल, लेजर के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मुझे समझ में नहीं आया। है गूगल, स्टोन के बारे में आप कुछ बताओ। अपोलो अस्पताल के अनुसार किडनियों में जमने वाला छोटा और कड़ा निक्षेप जिसके बाहर निकलने में अक्सर दर्द होता है। है गूगल, मेमोरी के बारे में आप कुछ बताओ। हम इस प्यारी दुनिया के बारे में बात करते हैं, चलिए आपके अगले सफर का प्लान बनाएं। है गूगल, एप्स के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार थम स्मार्टफोन के स्क्रीन पर अनेकों एप्स के आइकन दिख रहे हैं। मोबाइल अनुप्रयोग या मोबाइल ऐप उन कंप्यूटर प्रोग्रामों को कहते हैं जो स्मार्टफोन, टैबलेट तथा अन्य मोबाइल युक्तियों पर चलाने के लिए बनाया जाता है। हे गूगल, प्रोग्राम के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार संगणक प्रोग्राम किसी विशेष कार्य को संगणक द्वारा कराने अथवा करने के लिए संगणक को समझ आने वाली भाषा में दिए गए निर्देशों का समूह होता है। संगणक को कोई सीटी भी काम करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत है। प्रोग्रामों को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। इन भाषाओं को अक्सर इंसानों के समझने योग्य बनाया जाता है। गूगल, इंजन के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार इंजन या मोटर उस यंत्र या मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इंजन की इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है, अर्थात इंजन रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। हे गूगल, मैग्नेट के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है और चुंबक का प्रमुख गुण आसपास की चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण इसी के कारण होता है। हे गूगल, अंग्रेजी में कुछ कहावत बताओ। अंग्रेजी में अ सेइंग का मतलब है एक कहावत। हे गूगल, सिस्टम के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुई उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। गूगल, शेयर बाजार के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मैं अभी व्यापार एवं उद्योग धंधे समाचार नहीं चला सकती। हे गूगल, शेयर मार्केट क्या है। विकिपीडिया के अनुसार शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयरों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुहजबानी ही सौदे किया करते थे। हे गूगल, डिस्प्ले के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार प्रदर्शन यंत्र ऐसा निर्गम यंत्र होता है जिसमें सूचना दिखने वाले या स्पर्श कर सकने वाले रूप में प्रदर्शित हो। टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर इसका एक उदाहरण है। गूगल, टच स्क्रीन के बारे में आप कुछ बताओ।
विकिपीडिया के अनुसार स्पर्श पटल एक ऐसी विद्युतीय दृश्य प्रादर्शी है जो प्रादर्श क्षेत्र में किसी स्पर्श की उपस्थिति और अवस्थिति की पहचान करने में सक्षम होती है। आसान शब्दों में स्पर्श पटल एक ऐसा पटल या मॉनिटर होता है जिसमें स्पर्श के माध्यम से भी डाटा भरा जा सकता है और ऐसा करने में किसी कुंजी पटल की आवश्यकता नहीं होती। हे गूगल, फेस लॉक के बारे में आप कुछ बताओ। rahankumar.com वेबसाइट के अनुसार फेस लॉक कैसे हटाएं? सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग्स पर जाना होगा, तो सेटिंग्स में जाने के लिए सेटिंग्स के आइकॉन पर क्लिक करिए। इसके बाद फिंगरप्रिंट, फेस और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आप फिंगरप्रिंट, फेस और पासवर्ड में क्लिक करें। हे गूगल, जीमेल के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार जीमेल एक निःशुल्क POP3 और IMAP वेबमेल सेवा गूगल के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में इसे आधिकारिक तौर पर गूगल मेल कहा जाता है। जीमेल के बीटा रिलीज को 1 अप्रैल 2004 में केवल आमंत्रण द्वारा शुरू किया और 7 फरवरी 2007 से आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया, यद्यपि करोड़ों उपयोगकर्ताओं। गूगल, विकिपीडिया के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार यह लेख इंटरनेट विश्वकोश के बारे में बतलाता है कि विकिपीडिया के मुख्य पृष्ठ के लिए विकिपीडिया का मुख्य पृष्ठ देखें, विकिपीडिया के आगंतुक परिचय के लिए विकिपीडिया के बारे में पृष्ठ देखें। हे गूगल, प्रोग्राम सेटिंग के बारे में कुछ बताओ। अपना कैलेंडर सेटअप करने के लिए गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यह आपके फोन या टेबलेट पर मौजूद गूगल खातों से अपने आप जुड़ जाता है। फिर गूगल होम एप्लीकेशन में निजी खोज नतीजे चालू करें। हे गूगल, प्रोजेक्टर के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार प्रक्षेपित्र या प्रोजेक्टर या छवि प्रक्षेपित्र एक प्रकाशीय युक्ति है जो किसी छवि को किसी तल के ऊपर प्रक्षेपित करती है। साधारण भाषा में कहा जाए तो प्रोजेक्टर ऐसी कोई भी डिवाइस है जो कि सतह पर लिखे हुए शब्दों को लेंस की मदद से सामने किसी भी दीवार या पर्दे पर दिखाने का काम करती है। हे गूगल, लेंस के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार ताल एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ताल गोलीय, बेलनाकार आदि जैसे नियमित ज्यामिति रूप की दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम जिससे अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु का वास्तविक अथवा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ताल कहलाता है। उत्तल ताल मसूर की आकृति का होता है। हे गूगल, 3D के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मुझे समझ में नहीं आया। हे गूगल, 3D के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मैं समझी नहीं। हे गूगल, 3D के बारे में आप कुछ बताओ। thoughtinhindi.com वेबसाइट के अनुसार तो देखिए, 3D का पूरा मतलब है 3 डायमेंशन, यानी कि उसकी हाई, विथ और डेप्थ। मतलब आप कोई भी एक नॉर्मल वीडियो टीवी पे या यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं, वो नॉर्मल 2D वीडियो है। हे गूगल, आंखों के बारे में आप कुछ बताओ। वेबसाइट m.livehindustan.com से मिला सारांश यह है। आंखों के बारे में ये 10 बातें जानते हैं आप। हमारी आंखों का रेटिना सब कुछ उल्टा देखता है, लेकिन हमारा दिमाग उन उल्टी तस्वीरों को हमारे लिए सीधा कर देता है, इसलिए हम सीधा देख पाते हैं। मछलियां चूंकि पानी में रहती हैं, इसलिए उनकी आंखों में नमी बनी रहती है। हे गूगल, पेट के बारे में कुछ बताओ। navbharattimes.indiatimes.com वेबसाइट के अनुसार हमारे पेट में एसिड भोजन को पचाने का काम करता है, लेकिन कई बार पेट में एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है। अब पेट में भोजन कम और एसिड ज्यादा हो जाता है, जिससे कि एसिडिटी की समस्या हो जाती है। हे गूगल, शुगर के बारे में कुछ बताओ। अपोलो अस्पताल के अनुसार रोगों का समूह जिसके कारण रक्त में अत्यधिक शर्करा हो जाती है, उच्च रक्त शर्करा। हे गूगल, ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार रक्तचाप रक्त वाहिकाओं की बाहरी झिल्ली पर रक्त संचार द्वारा डाले गए दबाव है और यह प्रमुख जीवन संकेतों में से एक है। संचरित रक्त का दबाव धमनियों और केशिकाओं के माध्यम से हृदय से दूर और नसों के माध्यम से हृदय की ओर जाते समय कम होता जाता है।
हे गूगल, नशों के बारे में कुछ बताओ। पत्रिका.com वेबसाइट के अनुसार हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में नसें भी शामिल हैं जो रक्त संचारित करती रहती है, जो हमें जिंदा रहने के लिए सबसे अहम होता है। लेकिन कई बार कुछ कारणों के चलते हमारी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हे गूगल, ब्लड के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार चित्र ब्लड क्राइसलव डॉट पी एन जी थम राइट मानव शरीर में लहू का संचरण लाल शुद्ध लहू नीला अशुद्ध लहू है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न कतार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। हे गूगल, हाई प्रेशर के बारे में आप कुछ बताओ। अपोलो अस्पताल के अनुसार ऐसी स्थिति जिसमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। हे गूगल, ब्रेन के बारे में कुछ बताओ आप। विकिपीडिया के अनुसार रेलगाड़ी शब्द दो शब्द रेल और गाड़ी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। 28 दूसरे शब्दों में एक रेलगाड़ी या ट्रेन वाहनों की एक जुड़ी हुई श्रृंखला है जो एक निश्चित स्थायी पथ पर चलकर माल और सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। हे गूगल, ब्रेन के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आंख नाक जीभ और कान से जुड़ा हुआ उनके करीब ही स्थित होता है। हे गूगल, कानों के बारे में कुछ बताओ। इसकी कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। कान के बारे में बताओ। bbc.com वेबसाइट के अनुसार कान के मैल में मोम होता है, लेकिन यह मूल रूप से मृत केराटिनोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है। कान का मैल कई पदार्थों का मिश्रण होता है। करीब 1000 से 2000 के बीच ग्रंथियां एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड बनाती हैं। हे गूगल, जीहा के बारे में कुछ आप बताओ। मैं आपकी गूगल असिस्टेंट हूँ, गूगल से बात करने का एक नया तरीका। हे गूगल, जीप के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार जीव शब्द जीव विज्ञान में सभी जीवन सन्निहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कशेरुकी जंतु कीट पादप अथवा जीवाणु। एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक से अधिक कोशिका होने पर उस जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। हे गूगल, नाक के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मैं समझी नहीं। हे गूगल, नाक के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार नाक रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाने वाला छिद्र है। इससे हवा शरीर में प्रवेश करती है, जिसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। हे गूगल, किडनी के बारे में आप कुछ बताओ। मुझे नहीं पता कि मेरे पास उसका उत्तर है या नहीं, लेकिन मुझे वेब पर यह कुछ जानकारी मिली है। aajtak.in वेबसाइट के अनुसार दाहिनी किडनी लीवर के ठीक नीचे होती है और मानव के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ी होती है। बानी तरफ की किडनी दाहिनी की अपेक्षा छोटी होती है। 5 किडनी में 1.15 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। हे गूगल, हाई प्रेशर के बारे में कुछ बताओ। अपोलो अस्पताल के अनुसार ऐसी स्थिति जिसमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। हे गूगल, जड़ी बूटी के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार जड़ी बूटी ऐसी वनस्पतियों को कहते हैं जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए उपयोगी हों या सुगंध आदि प्रदान करती हों। जड़ी बूटी का विशेष महत्व उनके औषधीय गुण के कारण है। इसका इस्तेमाल औषधीय रूप में वर्षों से किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में इस परंपरा में थोड़ा बदलाव आया है। गूगल, पानी के बारे में कुछ बताओ।
विकिपीडिया के अनुसार जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु दो हाइड्रोजन परमाणु और पीने के पानी के लाभ एक ऑक्सीजन परमाणु से बना है। यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। हे गूगल, मिट्टी के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान पाई जाती है। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है। हे गूगल, मानव के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार होमो सेपियंस आधुनिक मानव स्तनपायी सर्वाहारी प्रधान जंतुओं की एक जाति जो बात करने, अमूर्त सोचने, ऊर्ध्व चलने तथा परिश्रम के साधन बनाने योग्य है। मनुष्य की तात्विक प्रवीणताएं हैं तापीय संसाधन के द्वारा खाना बनाना और कपड़ों का उपयोग। मनुष्य प्राणी जगत का सर्वाधिक विकसित जीव है। हे गूगल, ऑक्सीजन के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार ऑक्सीजन या प्राणवायु या जारक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधरहित गैस है। इसकी खोज, प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन में जे प्रीस्टले और शेले ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह एक रासायनिक तत्व है। हे गूगल, नाइट्रोजन के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार नाइट्रोजन भूयाति या नत्रजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है। हे गूगल, तापमात्रा बारे में कुछ बताओ। hi.wiktionary.org वेबसाइट के अनुसार विशेष ताप तीन प्रकार का माना गया है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। हे गूगल, एलेक्सा कौन है? विकिपीडिया के अनुसार एलेक्सा amazon.com की एक सहायक कंपनी है। इंटरनेट वेबसाइटों पर यातायात डेटा को क्रमबद्ध तरीके से फिक्स करने वाली ऑनलाइन कैलिफोर्निया स्थित कंपनी है। 1996 में एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में स्थापित, 1999 में अमेजन द्वारा अधिग्रहण कर लिया था। http://top.hound.com/20150/08/search योजक चिन्ह इंजन योजक चिन्ह क्या योजक चिन्ह होता योजक चिन्ह है योजक चिन्ह वट योजक चिन्ह इज .html। हे गूगल, इंटरनेट के बारे में आप कुछ बताओ। वेबसाइट tutorialpundit.com से मिला सारांश यह है, इंटरनेट एक महाजाल है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। जब यह नेटवर्क इंटरनेट स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं, और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। है गूगल, हार्डवेयर के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रदर्शित होता है, और यह हार्डवेयर के अंदर ही रहता है। किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डाटा की तुलना में यदाकदा बदल जाता है। गूगल, एंटीवायरस के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार एंटीवायरस या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कभी कभी एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, मेलवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, रोकने और हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयरों में कई प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। हे गूगल, सप्तर के बारे में कुछ बताओ। माफ करें, मुझे समझ में नहीं आया। हे गूगल, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार कंप्यूटर विज्ञान में सॉफ्टवेयर सार्थक क्रमादेशों और जरूरी सूचनाओं का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या काम करना है। सॉफ्टवेयर एक तरह से हार्डवेयर से अत्यंत अलग चीज है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं, और एक के बिना दूसरा बहुत कम या नहीं के बराबर उपयोगी है। हे गूगल, प्ले स्टोर के बारे में कुछ बताओ।
विकिपीडिया के अनुसार गूगल प्ले गूगल द्वारा संचालित एक मंच है। यह एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आधिकारिक ऐप स्टोर के रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अनुमति देता है। गूगल प्ले संगीत, पत्रिकाओं, पुस्तकों, फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों की पेशकश के रूप में भी कार्य करता है। हे गूगल, एंड्रॉइड के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार एंड्रॉइड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त स्रोत मोबाइल प्रचालन तंत्र है जो लिनक्स पर आधारित है। हे गूगल, रोबोटिक के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार रोबोटिक आभासी या यांत्रिक कृत्रिम एजेंट है। व्यवहारिक रूप से यह प्रायः एक विद्युत यांत्रिकी निकाय होता है, जिसकी दिखावट और गति ऐसी होती है कि लगता है जैसे उसका अपना एक इरादा और अपना एक अभिकरण है। हे गूगल, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार विज्ञान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होकर आवेश के प्रवाह एवं उन पर आधारित युक्तियों का अध्ययन करता है। हे गूगल, लाइट के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण फोटॉन होता है। प्रकाश की तीन प्रमुख विमाएं निम्नवत है: तीव्रता, जो प्रकाश की चमक से संबंधित है। हे गूगल, जियोग्राफी के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन ही भूगोल का सार तत्व है। अंग्रेजी में ये बोला जाता है टेल इन्फॉर्मेशन। पृथ्वी के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार पृथ्वी, जिसे विश्व भी कहा जाता है, सूर्य से तीसरा ग्रह और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। यह सौर मंडल में सबसे घना और चार स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। रेडियोधर्मी डेटिंग और साक्ष्य के अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन साल है। गूगल, सूर्य के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। यूनिवर्स के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पार्सेक है। गूगल, ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पार्सेक है। गूगल, सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं।